ठीक है, वेलकम बैक टू इंपोर्टेंट लाइफ फील्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम दिनसाद और आज के इस नए वीडियो में हम कवर करने वाले साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच होने वाला, तो इस मैच में अपनी ग्रांड लीग टीम, स्मॉल लीग टीम या तो हेड टीम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियोज में आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको इस मैच से जो रिलेटेड हेड कोच, फेनर कोच, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, रिसेंट परफॉर्मेंस, ग्रांड लीग की टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन सब कुछ मिलने वाला है। एंड दोस्तों किस प्लेयर को मैं फर्स्ट इनिंग, किस प्लेयर को सेकंड इनिंग में रखना है वो भी हम रिकॉर्ड जानने वाले हैं। तो गाइस वीडियोस को आप लोग अभी से लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस अगर हम बात करें मैच स्टार्ट कब होगा, ये मैच दोस्तों 25 मार्च इंडियन टाइम अकॉर्डिंग 5:30 यानी कि शाम टाइम स्टार्ट होने वाला है। एंड दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में फर्स्ट इनिंग मैच खेला जाएगा। टीम न्यूज के बारे में बात करते हैं, साउथ अफ्रीका टीम की कप्तानी जो है एडम मार्कम कर रहे हैं और वेस्ट इंडीज टीम की कप्तानी जो है रोमन पॉवेल कर रहे हैं। हेड कोच की बात करते हैं, टोटल मैच जो है दोनों टीम के बीच में टी20 के 6 खेले गए, जिसमें अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका टीम ने 4 बार विन किया और वेस्ट इंडीज टीम ने दोस्तों 2 बार विन किया, तो मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, पिच जो कि देखिए रहने वाली सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन। एंड गाइस देखिए बहुत अपडेट जो है पिच से रिलेटेड जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपको पता है एग्जैक्ट आपको पिच जो है वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अभी फिलहाल के लिए बता दूंगा बैटिंग पिच रहने वाली है, 170+ स्कोर आपको देखने को मिल सकता है और उसके साथ यहाँ पे पेसर को एडवांटेज रहने वाला है। एंड बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 के बारे में, सबसे पहले साउथ अफ्रीका टीम के प्लेयर स्टेट्स के बारे में। देखिए इस टीम की जो प्लेइंग 11 रहेगी, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंडिक, रैली रोसो, एडम मार्कम, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब, मार्को जेंसन, कगिसो रबाडा, एंड्रेस नोकिया, लोगी निकडी, तब्रेज शमसी और बेंच प्लेयर भी दोस्तों आपको शो करूंगा। अदरवाइज कोई चेंजमेंट होता है प्लेइंग में तो फिलहाल आप लोग बेंच प्लेयर भी देख सकते हैं। गाइस अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ पे टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम पाना चाहते हैं और जो लॉस हुआ गाइस आपका बहुत सारी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके, तो यार उसको कवर करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, स्टेप 1 है जो कि जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके आपको मोर के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ओपन होता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। एंड गाइस यहाँ पे फिर से अगर मोर का ऑप्शन आता है तो फिर से आपको मोर पे क्लिक करके ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन माई रियल टेलीग्राम चैनल। जैसे आपको इन लिंक में जो दिख रहा है दोस्तों इस पर किसी पर भी क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, पोस्ट वगैरह दिखेगी, तो दोस्तों आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, यही लिंक से आपको करना है। अदरवाइज आप सर्च करते हैं मेरा नाम तो फिलहाल आपको जो है फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल के प्रोफाइल में जाकर के ये वाला जो कि लिंक आपको जरूर देखना है। अगर यहाँ पे क्लिक करने बाद दोस्तों जिस चैनल को आप अभी देख रहे हैं ये ओपन होता है तो समझ लीजिए मेरा रियल टेलीग्राम चैनल है। अदरवाइज अगर आप फेक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है मेरे नाम से तो अभी के अभी अनफॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम मिलती है। एंड बात करते हैं यहाँ पे जो ओपनर रहने वाले इस टीम के यानी कि साउथ अफ्रीका टीम के, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंडिक। क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, यहाँ पे देखिए 31 रन, उसका 63, फिर बैटिंग नहीं, फिर 43, फिर 48 गज। हेड कोच की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज के केस में 6 मैच टी20 के खेले इन्होंने जिसमें कि 50 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे 2 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 38 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट है गाइस। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का जो रिकॉर्ड रहता है, फर्स्ट इनिंग दोस्तों ये 29 के ओवर से बैटिंग करते हैं, सेकंड इनिंग में 39 के ओवर से बैटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं चेस करते हैं गाइस, तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज इनके पास रहता है और अटैकिंग बैट्समैन है दोस्तों ये। टीम में रखना है कि नहीं रखना गाइस, देखिए हेड कोच, विनिंग कोच, रिसेंट फॉर्म सब बढ़िया है, तो यार इनको अपनी टीम में पिक कर लीजिएगा। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी कर सकते हैं दोस्तों। इनके साथ जो ओपन करने वाले रिजा हेंडिक जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं गाइस, ये भी बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, देखिए यहां पे 40, फिर 0, फिर 96, फिर 7, फिर 67। हेड कोच की बात करते हैं, 7 मैच उन्होंने खेले वेस्ट इंडीज के केस में जिसमें कि 24 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। एंड ग्राउंड की बात करते हैं, इस ग्राउंड पे इनका एक भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग टी20 मैचेस में ये 32 के ओवर से बैटिंग करते हैं, सेकंड इनिंग में 25 के ओवर से बैटिंग करते हैं और ओवरऑल टी20 मैचेस की बात करते हैं 29 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए गाइस ये भी कंसिस्टेंट है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कम है बट फर्स्ट इनिंग इनका बढ़िया रहता है। टीम में रखने की बात करें गाइस, रिसेंट देखिए 2 मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म थे, बाकी अच्छा स्कोर भी देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से इनको भी हमें टीम में पिक कर लेना चाहिए। रैली रोसो की बात करें गाइस, 1 डाउन बैट्समैन रहेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो दोस्तों ये भी कंसिस्टेंट रहे हैं। देखा आपने पीएसएल मैचेस देखा है, उसमें पहले के मैचेस दोस्तों बहुत अच्छा फॉर्म में आया, एंड उसके बाद दोस्तों लास्ट के कुछ मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म थे, बाकी रिसेंट जो इन्होंने खेले देखिए 15, 121, 15, 13 और यहाँ पर 52 दोस्तों। हेड कोच 4 मैच है जिसमें कि यहाँ पे 66 रन है, 22 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे 1 मैच है जिसमें कि दोस्तों 26 रन बनाए, फर्स्ट इनिंग ये टी20 मैचेस में 53 के ओवर से बैटिंग करते हैं, सेकंड में 21 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए गाइस अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम पहले बैटिंग करती है तो यार इनको हम अपनी टीम में पिक भी करेंगे, और जिस हिसाब से बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो यार उसके हिसाब से इनको भी हम क्विंटन डिकॉक के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक लेकर के जा सकते हैं। ओके गाइस, बट सेकंड
इनिंग में थोड़ा सा रिस्की रहेंगे क्योंकि इनका चेसिंग जो रिकॉर्ड है वो खराब है। एडम मार्कम की बात करें तो इस टीम के कैप्टन राइट हैंड बैट्समैन ऑब्लिक स्पिन बॉलर्स हैं। रिसेंट फॉर्म देखिए बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है एंड यहाँ पे देखिए 100 रन प्लस 0 विकेट, 26 रन प्लस 1 विकेट। यहाँ पर टेस्ट मैचेस की बात करते हैं 47 और 115। फिर यहाँ पे दोस्तों टेस्ट मैचेस की बात करते हैं यहाँ पे भी ठीक ठाक है एंड लास्ट मैच बात करते हैं यहाँ पर 25 रन प्लस 1 विकेट। ठीक है, हेड कॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, 4 मैच है वेस्ट इंडीज के केस में जिसमें हम देखते हैं 54 करोड़ से ये बैटिंग करते हैं। एंड दोस्तों वेन्यू की बात करते हैं तो इस ग्राउंड पे भी इन्होंने 3 मैच खेले जिसमें कि 25 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए हेड कॉर्ड्स में 3 मैच में बॉलिंग कराई जिसमें कोई विकेट नहीं इनको। एंड अगर हम बात करें स्पेल मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, ऑब्वियसली यहाँ पे इनको कम से कम 2 तो स्पेल के मिलने ही वाले हैं। फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं 39 करोड़ से बैटिंग करते हैं एंड सेकंड की बात करते हैं ये जो है 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं। फर्स्ट इनिंग में 8 इनिंग में 5 विकेट है, सेकंड में 4 में 2 विकेट है। बट दोस्तों देखिए टी ट्वेंटी मैचेस में कुछ अच्छा इनका परफॉर्मेंस मतलब ओवर नहीं मिलते, स्पेल नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो लीग थी उसमें दोस्तों आपने देखा था स्पेल मिल रहे थे और विकेट भी इनको मिल रही थी। बट ये पेसर के लिए एडवांटेज वाली पिच रहेगी तो मेरे हिसाब से इनको टीम में रखेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी आप इनका कर सकते हैं। देखिए रैलिस और क्विंटन डिकॉक को मैंने बताया, आप क्विंटन डिकॉक एडम मार्कम को भी ट्राई कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको करना है, अदरवाइज जो मेरी टीम रहेगी फाइनल वाली टेलीग्राम चैनल मिलेगी, कैसे ज्वाइन करना है वो आप लोग को पता चल ही गया होगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे डेविड मिलर की जो कि डेथ में बैटिंग करने आएंगे, मतलब मिडिल ऑर्डर गाइस, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा, पीएसएल मैचेस में आपने देखा है 7, फिर उसके बाद यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे दोस्तों एक उसके यहाँ पे 7 मतलब कुछ 17, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखते रहे कंसिस्टेंट ये नहीं है। एंड बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की तो वेस्ट इंडीज के केस में 10 मैच है इनके जिसमें कि 19 करोड़ से बैटिंग करें। एंड वेन्यू पे बात करते हैं 8 मैच है जिसमें कि 23 करोड़ से बैटिंग करें। फर्स्ट इनिंग 34 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड में दोस्तों 34 करोड़ से बैटिंग करते हैं। दोनों तरफ से यार कंसिस्टेंट है मैचेस में, बट यार जो यहाँ पे इनका रिकॉर्ड है तो कुछ खास नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से जब हम टॉप ऑर्डर पर भरोसा नहीं करेंगे तभी दोस्तों इनको ट्राई करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से देखिए जैसे कि रेलवे आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग में खराब है परफॉर्मेंस उनका, उनको ड्रॉप करेंगे तो फिर यहाँ पे थोड़े से चांसेस इनके बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिस्टन स्टप की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है। रिसेंट फॉर्म इनका भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे अगर हम देखते कुछ मैचेस इनका तो ठीक ठाक नहीं है गाइस। एंड ये बैटिंग जो है डेथ में करने आएंगे मार्को जेंसन से पहले। एंड हेड कॉर्ड्स वेन इन कॉर्ड्स दोस्तों इनका एक भी मैच नहीं, फर्स्ट में 15 करोड़ से बैटिंग करते हैं। चेसिंग दोस्तों थोड़ा सा ठीक है, 32 करोड़ से बैटिंग करते हैं, बट यार बैटिंग आना इनका बहुत मुश्किल रहेगा, मैं इनको ड्रॉप करके जाऊंगा। मार्को जेंसन की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। रिसेंट फॉर्म देखिए स्पेल इनके कंफर्म रहते हैं और बैटिंग भी अगर दोस्तों इनको मिलती है तो फिर ठीक ठाक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13 रन नॉट आउट 1 विकेट, यहाँ पे दोस्तों टेस्ट का जो रिकॉर्ड रहा है, फिर यहाँ पे टेस्ट का बढ़िया रहा है, विकेट भी मिली और रन भी दोस्तों इन्होंने बनाया। फिर यहाँ पे 17 रन प्लस 1 विकेट, यहाँ पे दोस्तों 43 रन प्लस 2 विकेट, कंसिस्टेंट प्लेयर रहेंगे तो इनको दोस्तों हमें लेकर के चलना पड़ेगा। एंड फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं, एक इनिंग में 1 विकेट है गाइस एंड जो कि फिलहाल 12 करोड़ से बैटिंग करते हैं। सेकंड इनिंग की बात करते हैं गाइस तो फिलहाल सेकंड इनिंग में जो अभी तक इन्होंने मैच ही नहीं खेला, टीम में रखने के लिए रखा गाइस तो मेरे हिसाब से लेकर के चलना चाहिए, बॉलिंग और बैटिंग इनको दोनों मिल जाती है। कगिसो रबाड़ा की बात करेंगे, इस राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। रिसेंट फॉर्म तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, देखिए टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो यहाँ पे विकेट 3, फिर 6, फिर 2, यहाँ पे फिर 2 दोस्तों, यहाँ पे फिर 2, मतलब कंसिस्टेंट है ये। हेड कॉर्ड्स 8 मैच में 9 विकेट लेकर के जा रहे हैं, इस ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। देखिए पेसर के लिए मैंने कहा दोस्तों पिच जो कि सुटेबल रहने वाली है, 1 मैच में 3 विकेट इस ग्राउंड पे दोस्तों इनको। फर्स्ट इनिंग की बात कर लेते हैं, 28 इनिंग में 26 विकेट है, सेकंड इनिंग बात करते हैं 26 में 30, तो फर्स्ट इनिंग थोड़ा सा रिस्की रहते हैं बट सेकंड इनिंग कंसिस्टेंट है, विकेट इनको जरूर मिलती है। टीम में दोस्तों लेकर चलना है पिच को देखते हुए। एंड उसके बाद बात करते हैं एंड्रिक नोकिया की, तो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं गाइस तो कंसिस्टेंट ये भी देखने को मिले, देखिए यहाँ पे 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट। हेड कॉर्ड्स 5 मैच में 5 विकेट है गाइस, ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 15 में 20 विकेट है, सेकंड इनिंग में 13 मैच में 15 विकेट है दोस्तों। दोनों तरफ से एक कंसिस्टेंट रहने वाले पेसर हैं तो भाई टीम में तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। लूकी निकट की बात करते हैं गाइस, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं। रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो कुछ खास मतलब दिखे नहीं, बट यार पिच जो कि पेसर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और होप कि इनको विकेट जरूर मिलेंगी। रिसेंट देखिए कुछ ठीक ठाक नहीं है, हेड कॉर्ड्स 5 मैच है जिसमें 5 विकेट है, इस ग्राउंड पे 2 मैच है दोस्तों जिसमें 4 विकेट है, तो यार पेसर के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज वाली पिच रहेगी गाइस। देखिए पिच रिपोर्ट जो है दोस्तों क्लियर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो फाइनली आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। टीम में रखने की बात करें गाइस, लूकी निकट को भी हमें ट्राई करना है। एंड दोस्तों जब इनको ट्राई करना है तो वो वाला टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन है, फर्स्ट इनिंग सेकंड जो फ्लॉप है गाइस, वो वाला कॉम्बिनेशन हमें जरूर याद रखना है और वैसे ही दोस्तों ट्राई जरूर करना है। तबलेश शमसी की बात करते हैं, ये स्लो लेफ्ट आर्म चिनमैन बॉलर्स हैं। एंड अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की गाइस तो ये भी देखिए 3 विकेट, 1 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो कंसिस्टेंट रहे दोस्तों ये भी जो कि पीएसएल मैचेस में आपने देखा। हेड कॉर्ड्स की बात करते हैं तो फिलहाल 6 इनिंग में 7 विकेट है इस ग्राउंड पर दोस्तों। देखिए मैंने कहा स्पिनर के लिए थोड़ी सी कम हेल्प है, पेसर के लिए एडवांटेज है। एंड दोस्तों इनको देख सकते हैं यहाँ पे 6 इनिंग में 4 विकेट है, तो समझ सकते हैं गाइस ठीक है। एंड टीम में रखने के लिए रखना गाइस तो फिलहाल अभी के लिए मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। बेंच प्लेयर आपको मिलने वाले हैं 14 जो कि रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है टेस्ट मैचेस में, टीम में रखने के लिए रखना गाइस। देखिए हेड कॉर्ड्स की बात करते हैं तो 1 इनिंग इनको कोई विकेट नहीं मिलती, इस ग्राउंड पर 2 इनिंग में 1 विकेट है, तो दोस्तों
इनको ड्रॉप करके चलेंगे। एंड संध्या मंगल की बात करते हैं, अगर फिल्म में शामिल होते तो यार रिसेंट इनका कंफर्म जो कि अच्छी दोस्तों इनकी बॉलिंग देखने को मिल रही थी और विकेट भी दोस्तों इनको मिल रही थी। हेडक्वार्टर्स का एक भी मैच नहीं है, वेन्यू दोस्तों दो मैच है जिसमें दो विकेट है। तो मेरे हिसाब से गाइस इनको टीम में हम लेकर के जा सकते हैं, बट प्लेइंग पे डिपेंड आएंगे। एंड आपको पता होगा जो मैं प्लेइंग में आपको सजेस्ट करता हूँ 99% बिल्कुल सटीक रहती है, कोई चेंजमेंट नहीं होता, होता तो एक दो प्लेयर का दोस्तों, ठीक है। एंड बात करते हैं वानी पलनेर की, तो रिसेंट इनका देखिए कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हेडक्वार्टर्स बढ़िया है, तीन मैच में आठ विकेट दोस्तों इस ग्राउंड पे, दो मैच में दो विकेट है। अगर आते गए तो टीम में मैं रह सकता हूं। जब दोस्तों ये आएंगे तो मुझे लग रहा है मार्को जेनसन ड्रॉप होंगे, ऐसा हो सकता है, बाकी तो अभी नहीं लग रहा। टीम में आते गए बट पिक वाले प्लेयर्स रहने वाले। हेनरिक क्लासन की बात करते हैं, रिसेंट दोस्तों ये भी कुछ ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे, बट दो अच्छे स्कोर इनके पांच छह मैच में देखने को मिले। यहाँ पे देखिए 104, उसके बाद यहाँ पे 119। हेडक्वार्टर तीन मैच है जिसमें कि 8 करोड़ से बैटिंग करने बहुत ही ज्यादा फ्लॉप है दोस्तों। वेन्यू पे पांच मैच है जिसमें कि 32 करोड़ से बैटिंग करते हैं। अगर टीम में आते गए तो फिलहाल मेरे हिसाब से इनको मैं ड्रॉप करना ही ठीक समझूंगा। एंड अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग के बारे में। इस टीम के जो ओपनर रहने वाले कैली मैच जेसन चार्लिस, एंड तीसरे नंबर पर ब्रेंडन किंग, एंड उसके बाद यहाँ पे निकोलस पूरन, रोमन पॉवेल, ओर्डन स्मिथ, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, सेल्डन कोट्रेल और यानी कारिया दोस्तों, जो कि बेंच प्लेयर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं। पहले बात करते हैं इनके प्लेयर स्टेट्स के बारे में, एंड दोस्तों जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा वो किस प्रकार से वो भी आप देख सकते हैं। कैली मेल्स की बात करते हैं, वाइस कैप्टन है टीम के, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर्स भी हैं, इस पर दोस्तों करा रहे हैं लगातार रिसेंट मैचेस में। बात करें इनके फॉर्म की तो गाइस यहाँ पे देखिए 17 रन एंड उसके बाद यहाँ पे 38 रन क्योंकि टेस्ट का रिकॉर्ड है गाइस। उसके बाद यहाँ पे देखिए विकेट भी इनको मिल रही ठीक ठाक एंड रन भी दोस्तों ये बना रहे हैं, बट रन से उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर्स का एक भी मैच नहीं दोस्तों, वेन्यू पे भी इनका एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग 30 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड दोस्तों 16 करोड़ से बैटिंग करते हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम पहले बैटिंग करते तो इनको पिक करेंगे, सेकंड में थोड़ा सा ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं इन्हें नो किया बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है ग्राउंड पर देख रहे हैं, और उसके बाद लोग निकले भी कंसिस्टेंट है गाइस, रबाड़ा भी वेन्यू पर कंसिस्टेंट है, तो फिर इनको हम सेकंड में ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। एंड जोसन सर्विस की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, एंड दोस्तों देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी मेरे हिसाब से कैली मेस रिस्की रहेंगे, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बहुत लोग इनको करके जाएंगे बट आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है। जोसन सर्विस की बात करते हैं, इनके साथ ओपन करेंगे, रिसेंट देखिए कंसिस्टेंट है 39, 107, 9, 4, 79। हेडक्वार्टर्स बढ़िया है, एक मैच में 32 रन है दोस्तों, बढ़िया कंसिस्टेंट है। वेन्यू पे एक भी मैच नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड इनिंग दोस्तों ये भी फ्लॉप है। एंड अगर वेस्ट इंडीज टीम चेज करती है तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनको ड्रॉप करना बिल्कुल ही सटीक समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज टीम बैटिंग करती है तो दोनों को लेकर जा सकते हैं, बट सेकंड इनिंग में ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ब्रेंडन किंग की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन टीम के, वंडर बैट्समैन रहेंगे, रिसेंट देखिए कंसिस्टेंट है, पांच मैच अगर हम देखते हैं इनके लास्ट वाला 7, फिर उसके बाद 29, फिर 20, फिर 30, फिर 72। हेडक्वार्टर्स फेनरिक्वार्टर्स एक भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग में 27 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड इनिंग में 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं। दोस्तों जब हम टॉप ऑर्डर ड्रॉप करेंगे सेकंड इनिंग में तो फिलहाल इनको लेकर के जाएंगे, बट फर्स्ट इनिंग में ये पिक वाले प्लस रहने वाले हैं। एंड अभी के लिए मेरे हिसाब से दोस्तों ब्रेंडन किंग को हम पिक कर सकते हैं, बट दोस्तों टॉस के बाद यार कंफर्म तो टेलीग्राम चैनल पर ही होगी टीम, वो आपको ज्वाइन कर ही लेना है। निकोलस पूरन की बात करते हैं, विकेट कीपर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। एंड देखिए 29, उसके बाद यहाँ पे 5, फिर 30, फिर 39, फिर 39। देखिए सामने टीम से विकेट कीपर जो कि क्विंटन डिकॉक मिल रहे हैं, तो यार निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक दोनों को आप रख सकते हैं। हेडक्वार्टर्स के 6 मैच है बट यार कंसिस्टेंट नहीं है, देखिए 16 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब फ्लॉप है साउथ अफ्रीका के इसमें, ये भी ध्यान में आपको लेकर चलना है। एंड एक टीम में अगर दोनों को रखते हैं तो फिर एक टीम से इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। वेन्यू पे इनका एक भी मैच नहीं है, फर्स्ट में 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड में भी 25 करोड़ से बैटिंग करते हैं, दोनों तरफ से इनको आप ट्राई करिएगा बट सभी टीम में नहीं दोस्तों। रोमन पॉवेल की बात करते हैं, टीम के कैप्टन राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट अगर हम 5 मैच इनका देखते हैं तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्म नहीं था। यहाँ पे देखिए 35, उसके बाद 46, तीन मैच आउट ऑफ फॉर्म भी दिखे दोस्तों, फ्लॉप भी दिखे। हेडक्वार्टर्स फेनरिक्वार्टर्स का एक भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग 28 करोड़ से बैटिंग करते हैं, सेकंड में 20 करोड़ से बैटिंग करते हैं, तो गाइस उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना। बट ये देखिए बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो अगर बल्ला चलता है इनका दोस्तों तो फिलहाल आपको अच्छा स्कोर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टीम में रखने की बात करेंगे तो टीम में मैं इनको पिक करके चलूंगा। ओर्डन स्मिथ की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर्स हैं। एंड अगर हम बात करें यार रीसेंट फॉर्म की तो कुछ कंसिस्टेंट ये भी देखने को नहीं मिले। एंड देखिए रीसेंट तो कुछ खास नहीं रहे, हेडक्वार्टर्स फेनरिक्वार्टर्स इनका एक भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग 31 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 15 इनिंग में 18 विकेट भी हैं, सेकंड इनिंग बात करते हैं तो फिलहाल 10 करोड़ से बैटिंग करते हैं एंड जो कि 8 इनिंग में 6 विकेट में। फर्स्ट इनिंग यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम बॉलिंग कराती है तो भाई इनको लेकर के जाऊंगा, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर डिपेंड है, इनको स्पेल जरूर मिलने वाले हैं। जेसन होल्डर की बात करते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, रिसेंट फॉर्म देखिए ये जो कि टेस्ट मैचेस में कंसिस्टेंट दिखने को मिले, मतलब विकेट मिली थी और बट उतना भी खास नहीं थे, रन भी दोस्तों बना रहते हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, 5 मैच में 18 करोड़ से बैटिंग करते हैं एंड 5 इनिंग में दोस्तों 5 विकेट भी हैं, इस ग्राउंड पे इनका एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 15 करोड़ से बैटिंग करते हैं एंड 31 में 32 विकेट भी दोस्तों, सेकंड इनिंग बात करते हैं 15 करोड़ से बैटिंग करते हैं एंड 15 इनिंग में 19 विकेट भी है, तो यार दोनों तरफ से कंसिस्टेंट हैं तो इनको हम टीम में लेकर भी जा सकते हैं, बॉलिंग बढ़िया हो रही है इनकी। अकील हुसैन की बात करते हैं, स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो ये कंसिस्टेंट थे बट उतना भी ठीक नहीं थे, आपने देखा था पीएसएल मैचेस में। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे हेडक्वार्टर्स की तो दो मैच में एक ही विकेट है, इस ग्राउंड पे आपको पता है
स्पिनर के लिए कुछ खास हेल्प नहीं है, बट इग्नोर भी नहीं करना गाइस, हमें यह भी ध्यान रखना है। फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं गाइस, जो ये फिलहाल जो है 18 इनिंग में 11 विकेट है। सेकंड इनिंग बात करते हैं 11 में 14। अगर यहाँ पे दोस्तों इनको रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग में ही आप इनको ट्राई करें, जब ये सेकंड बॉलिंग करा रहे हैं दोस्तों। अल्जारी जोसेफ की बात करते हैं तो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स, पेसर बॉलर्स हैं, रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आया। देखिए विकेट इनको मिली थी यहाँ पे 2 विकेट 0 विकेट फिर 5 विकेट टेस्ट मैचेस में, फिर यहाँ पे 2 फिर 3 विकेट, फिर यहाँ पे दोस्तों 3 विकेट फिर 3 विकेट, कंसिस्टेंट है। हेड कॉर्स पर इनकॉर्स का एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 6 इनिंग में दोस्तों 10 विकेट है, सेकंड में 6 जो कि फिलहाल 4 इनिंग में 6 विकेट है। तो यार दोनों तरफ से कंसिस्टेंट है, इनको भी हम दोस्तों लेकर के जाने वाले हैं अपनी टीम में, और खास करके पेसर हैं। सेल्डन कोटवाल की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स है, रिसेंट देखिए 5 मैच इनके, जिसमें दोस्तों एक ही मैच यहाँ पे पीसीएल वाले में देखा आपने 3 विकेट मिली थी, बाकी सभी मैचेस में फ्लॉप थे। हेड कॉर्ड बढ़िया है, 3 मैच 3 विकेट हैं, वे ने दोस्तों एक मैच नहीं। फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं 25 इनिंग में 28 विकेट है, सेकंड में दोस्तों 16 में 22 विकेट है। तो कंसिस्टेंट प्लेयर है और पेसर है, तो मेरे हिसाब से लेकर ही चलना चाहिए, बट सभी टीम में रखना भी नहीं दोस्तों रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। यानी कि अगर इनकी बात करते हैं लेग ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट फॉर्म देखिए कंसिस्टेंट है, बट उतना भी खास नहीं थे। हेड कॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स एक भी मैच नहीं दोस्तों, एंड स्पिन के लिए कुछ खास नहीं पिच आपको पता है। फर्स्ट इनिंग दोस्तों 1 इनिंग में 0 विकेट है, सेकंड बात करते हैं 1 में 1 विकेट है। तो यार सेकंड में अगर ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि इतना होप होने वाला है कि इनको हम ट्राई करें, ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। बेंच प्लेयर आपको मिलेंगे सैमरा ब्रूक्स, जो कि रिसेंट कुछ खास नहीं है टीम में आते हैं, तो गाइस तो फिर मैं ड्रॉप करूंगा, बट वेन्यू पे उन्होंने 4 मैचेस खेले जिसमें 39 गेंद से बैटिंग कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट दोस्तों उससे पहले हम प्लेइंग में देखने वाले हैं ओबेन मेकॉय की बात करते हैं गाइस, जो कि रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं, पेसर हैं, कहीं ना कहीं अगर टीम में आता तो फिल्म में लेकर के जा सकता हूँ। एंड हेड कॉर्ड्स 5 में दोस्तों 9 विकेट है, ठीक ठाक ही है। एंड अगर बात करें टीम में रखेंगे तो दोस्तों प्लेइंग में रहते हैं तो फिर मैं इनको ट्राई जरूर करूंगा। रेमन रॉयफर की बात करते हैं, रिसेंट ये भी कुछ खास नहीं रहा, बट बैटिंग कर लेते हैं गाइस। हेड कॉर्ड्स का एक भी मैच है दोस्तों, वेन्यू पर बात करते हैं 4 मैच 39 गेंद से बैटिंग करें, तो ये भी कंसिस्टेंट है, बट टीम में देखेंगे प्लेइंग में शामिल होते कि नहीं होते, बट होप मुझे नहीं लग रहा कि जो कि फिलहाल प्लेइंग में शामिल होंगे। रोमारिस रॉयफर की बात करते हैं गाइस, जो फिलहाल ये भी कुछ खास नहीं है, तो मेरे हिसाब से गाइस इनको जो हम वेट करेंगे इन सारे प्लेयर्स को प्लेइंग में आने का, तब दोस्तों मैं क्लियर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लिया होगा, बाकी वेन रिकॉर्ड्स हेड कॉर्ड्स प्लस स्टेट्स पिच रिपोर्ट जो फिलहाल मैं क्लियर नहीं कर पाया, बाकी सारी चीज दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हूं, पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लियर करूंगा। एंड बाकी तो मैंने बता ही दिया कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहां पर दोस्तों जो है पेसर के लिए एडवांटेज है। एक टीम आपको शो कर देता हूँ, वैसे मेरी पहली टीम का सिलेक्शन रहने वाला जो कि आप देख सकते हैं, बैटिंग फ्रेंडली के अकॉर्डिंग मैंने टीम नहीं बनाई दोस्तों, ठीक है, भले बैटिंग फ्रेंडली पिच है बट जो वेन रिकॉर्ड्स पे पेसर के लिए एडवांटेज है और जो सामने टीम का है, जैसे कि वेस्ट इंडीज टीम का बैटिंग लाइनअप कमजोर है यार, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 3 बॉलर्स को भी लेकर के जा सकता हूँ जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो यार क्विंटन डिकॉक ऑब्वियसली कैप्टन बढ़िया रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी रीजा हेंड्रिक को ड्रॉप कर रखा गया, तो आप चाहें तो यहाँ पे नोकिया या तो कगेश्वर और पाड़ा यार लोगों निकली को किसी एक को ड्रॉप करके रीजा हेंड्रिक को भी पिक कर सकते हैं। ब्रैंडन किंग को यहाँ पे दोस्तों ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, जिस हिसाब से बाकी मैंने फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग बताया वैली रूसो का भी दोस्तों उस प्रकार से भी कॉम्बिनेशन हम करने वाले। बाकी क्विंटन डिकॉक बढ़िया रहेंगे कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन या तो आप मैलकम को भी कर सकते हैं या तो कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन भी दोस्तों आप कर सकते हैं। बाकी और जो अपडेट रहेंगे और जो टीम रहेंगे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, पिच रिपोर्ट भी दोस्तों आप मैं क्लियर कर दूंगा, जो रिकॉर्ड आया पिच का वो भी दोस्तों वहां पर शेयर करूंगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। इस होप वीडियो से अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, चले मित्र, जय हिंद जय भारत।